ओके सो आज के पर्दे के पीछे की कहानी कुछ ऐसी थी कि आई वाज़ लाइक मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस फील हो रही है, बड़ा जोश सा फील हो रहा है. आई एम लाइक बताओ कितने वीडियोस फिल्म करने हैं, जिसको गब्बर नहीं बोलता कि कितने आदमी थे, तो आई एम लाइक कितने वीडियोस हैं. तो मुझे पता चला आज के दो हैं जो अभी हम ये क्या बोलते हैं इसको, वस्त्र परिवर्तन करके करने वाले हैं. चलिए ये वाली बातें तो होती रहेंगी. आज का वीडियो जो कि आप क्लियर हो चुके हैं टाइटल से, जो कि होने वाला है ब्लैक फ्राइडे सेल, जो कि स्टार्ट हो चुकी है शीन पे, वहां पे आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलने वाले हैं. और अगर आपको भारी भरकम डिस्काउंट ना लगे, जो वेबसाइट पे आपको मिल रहा है आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका इस्तेमाल करके आपको मिल सकता है एडिशनल 20% ऑफ. तो मतलब ये मिलके तो भारी भरकम डिस्काउंट बना ही देगा, इंजॉय कर सकते हैं आप. और सेल स्टार्ट हो चुकी है तो प्लीज लेट मत होना. और हाँ, आज मैं आप साथ में शेयर करने वाली हूँ स्पेशली विंटर कलेक्शन, शीन से लिया है मैंने. और पुराने वीडियो को ध्यान में रखते हुए, पुराने में आपने बोला था कि कोमल सर्दी पे वीडियो बनाओ, सर्दी पे वीडियो बनाओ, हम लाइक कपड़ों पे वीडियो बनाते हैं, मुझे भी बहुत ठंड लगती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं मेंशन करने वाली हूँ उनकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो चेक करना जरा भी ना भूले. उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चेक करना जरा भी ना भूले. रीटेक था. लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको पता ही है, पुराने हो ना. चलो यू नो वॉट, एक चीज़ बताने दो. आपको ऐसा लगता होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें हमको आए दिन मिलती रहती हैं तो वी डोंट गेट एक्साइटेड. भाई ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं है असलियत क्या है. मेरा तो डब्बा आते ही पहले कैंची चलती है या कटर चलता है, वो खुलता है, कपड़े पहनते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद में हम ऐसा वीडियो बनाते हैं. मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इस लेटर्स, व्हाट इज दिस लेटर. ओके लेट मी रीड इट. ओके सो ओके सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेटेस्ट ट्रिम रिप्ड निट स्वेटर, जो कि है एस साइज में और ये कुछ इस तरीके का दिखता है. स्टैंड कॉलर के साथ में आता है एंड लॉन्ग स्लीव्स हैं इसकी. मटेरियल इसका पॉलिएस्टर है 95% और 5% स्पैंडेक्स है. और इसमें हल्का फुल्का सा खिंचाव भी है, तो आप लोग बोलते हैं ना कि साइज नहीं बैठता, इसमें आपका पक्का बैठ जाएगा, एक साइज ऊपर नीचे चल जाएगा. इसके यहाँ पे नेक पे डिटेलिंग भी है, प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट. मैंने स्पेशली 2-3 फोटोज इसी के लिए खिंचवाई है. नेक इतना ज़्यादा सुंदर लगता है इसका, आई कैन इवन टेल यू. और बॉडी को ऐसे हक कर लेता है ना कि आपकी बॉडी की बहुत अच्छी सी शेप लगती है. एंड ये कुछ वैसा स्वेटर नहीं है जो कि मम्मी पहनाती थी हमको बचपन में, या फिर अभी भी हमको बहुत सारे ऐसे ओवर साइज मिलते हैं. आई फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग इस साइज के स्वेटर एंड आई रियली लाइक इट. इसका प्राइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आप देख ही रहे हैं. नेक्स्ट अप, आई हैव दिस मॉक नेक ग्लिटर फिट एंड फ्लेयर ड्रेस, जो कि है ए लाइन ड्रेस. और ये इसका फ्लेयर बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा हेवी भी है. यू नो व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट लाइक दिस, जहाँ पे आप सिर्फ ऑनलाइन चीज़ें देख सकते हो, बट बिलीव इट और नॉट, कुछ चीज़ें इनकी इतनी बढ़िया वाली हिट होती है ना, दैट यू सीरियसली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस. एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज. लॉन्ग स्लीव्स के साथ में आती है और बहुत ज़्यादा मटेरियल स्ट्रेची है. अगेन दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोडक्ट जो कि आपको किसी भी साइज में फिट हो सकता है, 1 से 2 साइजेस आप ऊपर नीचे जा सकते हैं. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. और इसका जो फॉल आता है ऐसे घेर, बिल्कुल इसे बबली एकदम गुड़िया का एक वो कहते हैं ना, एक वैसी फीलिंग आती है, काफ़ी सुंदर लग रहा था ये. और स्टैंड कॉलर के साथ में आता है, राउंड नेक है इसका, पीछे बटन डिज़ाइन है. लाइक सर्दियों में भी आप इसको पहन सकते हो, बूट्स वगैरह डालो एंड यू आर रेडी टू गो, यू आर गुड टू गो. ओके सो मेरा जो इसमें साइज़ है वो है एस. और इसका मटेरियल है नायलॉन 95% एंड 5% इसमें आई थिंक पॉलिएस्टर है. सो चेक करना जरा भी ना बोले ये वाली ड्रेस, जो कि पार्टी और क्लबिंग वगैरह के लिए आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस. नाउ लेट मी टॉक अबाउट दीज मेटल बकल स्ट्रैपी वेज सैंडल्स, जो कि हैं EU 38 साइज में. मेरे को सारे के सारे जो फुटवेयर्स होते हैं वो EU 38 साइज में बैठते हैं व्हेन इट कम्स टू शेन. और इसकी क्लियर हील्स हैं. आई मीन आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा, ये पेयर मेरे पास ऑलरेडी था. जस्ट दैट अभी हम रिसेंटली अमृतसर गए थे, नॉट रिसेंटली, 2-3 महीने हो गए, तो वहाँ पे क्या मैं इसका पीछे का टाई करने का इसका स्ट्रैप कहीं पे भूल आई. लाइक एक तो होटल के रूम में छोड़ाई थी और एक मैं यहाँ से लेके जाना भूल गई थी, तो एनी विच वेज मैं वहाँ पे पहन ही नहीं पाई. एंड आई फेल्ट वेरी सैड क्योंकि एक तो मिल गया लेकिन दूसरा कहाँ से आता. तो आई गॉट अनदर पेयर फॉर माई सेल्फ. और क्योंकि ये क्लियर हील्स है, किसी भी आउटफिट के साथ में आंखें बंद करके पहन लेना है इसको. बट आपको पता होना चाहिए कि वैनिटी में कहाँ पे रखा हुआ है, दैट्स ऑल. आई रियली लव दीज सैंडल्स, दे आर सुपर कंफर्टेबल, किसी भी आउटफिट के साथ में मैच करना इज सुपर ईजी और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वाई नॉट गेट योर हैंड्स ऑन दिस. तो नेक्स्ट अब आई गॉट दिस स्टिच पीवीसी क्रॉस बॉडी चेन बैग, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. और ये है मेटल चेन के साथ में आता है, इट्स पिंक इन कलर. ऑलमोस्ट आपके सारे जो पेस्टल कलर के आउटफिट्स होते हैं उनके साथ में अच्छे से जाएगा. एंड सिंस इट्स गॉट दिस इस तरीके की चेन जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको एक एक्सपेंसिव लुक देती है, एंड आई रियली लाइक इट. ओके सो कंपार्टमेंट इसमें सिर्फ एक ही है इसका, यहाँ से आप इसको लॉक ओपन करते हो एंड देन यू गेट
इतना सारा स्पेस. ओके, सो आपको यहाँ पे आपका फोन आ जाएगा, थोड़ी बहुत और चीजें आ जाएंगी, थोड़ा बहुत लिपस्टिक भी आप कैरी कर सकते हैं. ओवरऑल आई लाइक इट. नेक्स्ट अप आई हैव गॉट दिस रैबिट हुडेड पजामा सेट, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स कितना ज्यादा क्यूट दिखता है ये. आपकी स्किन आपको एक्चुअली थैंक यू बोलने वाली है जब आप इसको पहनोगे. तो मैंने इसको एक बार पहना था, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने ऐसा क्या पहन लिया. एंड उसके बाद में एकदम ऐसे मधुहोशी सी आ जाती है आपको सोने की. इट फील्स वेरी सूदिंग, वेरी सॉफ्ट टू टच. एंड नीडलेस टू से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, क्योंकि वो इतना भी नहीं है. इतना गर्म है ना कि आई कैन इवन टेल यू, बहुत ज़्यादा गर्म है. और इसके भी रूम में आई वॉन्ट से कि ये एकदम से निकल जाएंगे. इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा लास्ट लॉन्ग भी होने वाला है या लॉन्ग लास्ट भी करने वाला है. आई थिंक इट्स अ रियली गुड डील बाइंग समथिंग लाइक दिस, जो कि आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलता. इट इज़ अ रियली गुड पजामा सेट, एटलीस्ट हैव अ लुक एट दिस वंस. नेक्स्ट अप आई हैव दिस स्लिट साइड कैजुअल कोट, या फिर आप इसको जैकेट बोले. ये आता है इस बेल्ट के साथ में और आर्मी ग्रीन कलर है इसका. कैजुअल वेयर है और ये ओवरसाइज स्टाइल का है, ओवरसाइज टाइप का है. मेरा इसमें जो साइज है वो है एस, एंड आई ओवरऑल लव द लुक, क्योंकि ये एक लेयर का भी काम करता है एज वेल. It is not that heavy, but at the same time काफ़ी अच्छे से विंटर को लाइक जो हवा ठंडी वंडी होती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग शूट था एंड दिस वॉज द फर्स्ट आउटफिट जो कि मैंने शूट किया था. एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, आई मीन अराउंड 7 इन द मॉर्निंग, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी. तो उसने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल भी किया. आई लव इट. आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर लंच, ब्रंच एंड इवनिंग आउटिंग्स. लेट्स टॉक अबाउट दिस बूम बूम बूमर, नो फेम फेम फेमस. सो आई गॉट दिस सेट ऑफ लेटर प्रिंट टी शर्ट एंड अ लेगिंग सेट, सो दैट इज हाउ दे लुक लाइक. दे आर ब्लैक इन कलर. आई थिंक आपको एक और कलर मिलता है, दैट इज आर्मी ग्रीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो बेसिकली यहाँ पे एक हुडी स्टाइल में आपको टी शर्ट मिलती है, एंड देन मेरा इसमें जो साइज है वो है XS. मटीरियल में एज सच आपको स्ट्रेच नहीं मिलेगा, सो यू कॉन्ट रियली गो रॉन्ग विद योर साइजेस. लेकिन ये टी शर्ट जो है वो काफ़ी ओवर साइज है, तो आई थिंक टी शर्ट में तो चल ही सकता है. वेन इट कम्स टू दिस पजामा, आई मीन दिस लेगिंग, इट फिट्स मी सो वेल. बट मेरे पास एक डाउट है कि जब मैं इसको वॉश करूँगी उसके बाद में डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ कचरा होने वाला है. सो आई एम थोड़ा सा वरिड अबाउट इट, बट ओवरऑल आई लव दिस पीस. इट इज़ सो कैजुअल और यू नो एयरपोर्ट आउटफिट आई थिंक. नेक्स्ट अप आई हैव दिस लीफ प्रिंट क्रॉप टैंक टॉप, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने इसको अभी एक रिसेंटली वीडियो में भी पहना था और मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट शेयर किया था. एंड आई वाज लाइक बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कोमल कहाँ से ये लिया, और उसके साथ में मैचिंग कुछ और भी है. सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका प्राइस जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 518 rupees एज इट इज, बिना ऑफ के. ब्लैक फ्राइडे सेल जोड़ लो और उसमें आप 20% एक्स्ट्रा जोड़ लो, आई थिंक ये अराउंड 300 के आसपास आपको बैठ जाना चाहिए. एंड विद इन 300 rupees आई थिंक दिस टॉप लुक्स रियली डिसेंट और काफ़ी सुंदर भी है, यूनिक है काफ़ी. मेरा इसमें साइज है एस एंड इसमें कोई स्ट्रेच नहीं है. You need to be careful about picking up the sizes. और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये. मैंने इसको यहाँ पे वेयर किया हुआ है ये हाई राइज पाइप्ड ड्रेस पैंट्स के साथ में, जो मैंने एक्चुअली कॉम्बिनेशन देख के लिया था. इन पैंट्स को लेने के बाद में मुझे ये टॉप काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने उसके बाद में वो लिया था, क्योंकि मेरे पास बॉटम्स लाइक चाहिए थे मुझे थोड़े बहुत ट्राई करने के लिए. सो आई गॉट दिस वन. और ये हाई राइज है, काफ़ी अच्छे से आपकी को ना आपकी बॉडी को अच्छा सा शेप देता है. पैंट की फिटिंग तो लूज है, लेकिन ये वाइड लेग पैंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगते हैं. आप इसको पार्टी के साथ साथ कैजुअल वेयर में भी कैरी कर सकते हैं. आई थिंक जो पैंट का कलर है वो काफ़ी से यूनिक बनाता है और इसका स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा मुझे. ओके, सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस फॉक्स फॉर ब्लैक वेलवेट हैंड बैग. इट इज़ सुपर सॉफ्ट टू टच, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये. आई एम लाइक मैं बस घूमने का वेट कर रही हूँ कि मैं कब जाऊँ और कब मैं इसको कैरी कर पाऊँ. आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग जो कि शॉपिंग वगैरह में भी काम आ जाए. इट इज़ वेरी स्टर्डी, क्वालिटी फील्स रियली नाइस, इट इज़ सॉफ्ट टू टच एंड नॉट ओनली दिस. सो इसके अंदर आपको काफ़ी सारा ये इतना सारा स्पेस मिल जाता है. मैं अगर खुद को फोल्ड करूँ तो शायद मैं भी इसमें आ जाऊँगी. जस्ट चोकिंग, ये ज़्यादा हो गया, बट ठीक है. आई रियली लाइक इट एंड इसको टच करना इज लाइक ट्रीट, यू नो. आई रियली लाइक इट. नेक्स्ट अप लेट मी टॉक अबाउट दिस मैश कॉन्ट्रास्ट सॉलिड ड्रेस जो कि है ब्लैक इन कलर. द स्टाइल इज़ वेरी एलिगेंट. इसमें यहाँ पे मैश डिटेलिंग है ऑन द बस लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे, नेक लाइन बेसिकली टिल स्लीव्स. यहाँ पे आपको मैश डिटेलिंग मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड है. इसका नेट बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टू वेयर है. एंड डिज़ाइन इज़ क्वाइट यूनिक. यहाँ पे ये गोल्डन पाइपिंग दे रखी है टू मेक इट लुक स्टैंड आउट. ये वाली जो डिटेलिंग है उसकी अंदर अच्छी खासी लाइनिंग है, आपको कंफर्टेबल बहुत अच्छे से फील होगा. हाई वेस्ट लाइन के साथ में आती है जो कि आपकी बॉडी को अच्छा सा एक शेप देता है. और ओवरऑल ड्रेस जो पिक्चर्स में भी काफ़ी अच्छी दिखती है. एंड इसका मटेरियल है 93% पॉलिएस्टर. मेरा इसमें साइज है XS, डू चेक इट आउट. नेक्स्ट अप लेट मी टॉक अबाउट वन ऑफ माई फेवरेट पीस ऑफ आउटफिट,
पीस और आउटफिट व्हाटएवर. सो इसका एक और कलर है ऑलरेडी मेरे पास में, आप देख के समझ जाओगे. सो दिस इज़ अ क्रॉप लेस टॉप एंड स्कर्ट सेट. बेसिकली आपको जो कोअर्ट्स का सेक्शन आता है वहाँ पे आपको मिलेगा. पहले मेरा साइज़ जो मैंने लिया था वो था एस और अभी मैंने लिया है एम, क्योंकि पहले वाले मुझे लगा था कि हल्का सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है, जबकि मटेरियल मैंने देखा था तो थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेची भी था. और इस बार मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा अप किया है, मतलब मैंने ऑर्डर किया है एम, तो मुझे लगा काफ़ी चीज़ें फिट भी हो जाएगा और वो ही हुआ. और स्कर्ट के बारे में तो कहना ही क्या, इतना अच्छा सा फॉल है यहाँ पे, साइड स्लिट आपको मिलता है. बेसिकली इट इज़ अ रैप स्कर्ट जिसको आपको डोरी से बांधना होता है, एडजस्टिंग आप वो जो स्लिट है वो कहाँ चाहते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस. मैंने फोटोशूट में तो इतना सा विजिबल नहीं था. ओवरऑल आई लव दिस पीस, बहुत ही अच्छा एक पार्टी वेयर पीस है. क्लब और पार्टीज़ के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ डिनर के लिए आप जाते हैं रात को, यू नो इवनिंग आउटिंग डेट नाइट पे आप जा रहे हैं, आई थिंक इट इज़ अ परफेक्ट पीस. मेरा इसमें साइज़ है एम और ये है 100% पॉलिएस्टर. ओके सो रॉकस्टर टो पोस्ट स्ट्रैपी पीयू सैंडल. इसका जो सोल है वो है रबर और इसका जो कलर है दैट इज़ शैम्पेन. आई डोंट नो उनको फैंसी इतने नेम्स कहाँ से मिल जाते हैं. सो दिस इज़ शैम्पेन इन कलर, रबर सोल के साथ में आता है, वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. इसका ये जो स्टड डिज़ाइन है उसका एक और पीस है मेरे पास फुटवेयर में जो मैंने लिया था लास्ट, वो हील के साथ में आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. एंड दिस इज़ फॉर लाइक कैजुअल, इधर उधर जाना है आपको, शॉपिंग पे जा रहे हैं, जीती जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं शाम को. सो आई थिंक इट्स अ गुड पेयर ऑफ फुटवेयर एंड आई थिंक इसको आप कैजुअल और पार्टी वेयर दोनों के साथ में टीम अप कर सकते हैं. दे टोटली स्टैंड आउट, बहुत ज़्यादा यूनिक दिखते हैं एंड आई टोटली लव वेयरिंग देम. नेक्स्ट अप आई हैव गॉट दिस फ्लैट डिस्क डेकोरेटेड ड्रॉप इयर रिंग. सो दे आर बेसिकली बेज एंड गोल्डन इन कलर विद अ राउंड जो पर्ल स्टाइल का होता है टॉप उसके साथ में. पीछे इनके पुश बटन है, दे आर ईजी टू वेयर और काफ़ी यूनिक भी दिखते हैं. यहाँ पे टैसल डिटेल आपको मिलती है. आई नो टैसल इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, लेकिन हाँ ये काफ़ी यूनिक सा है. साथ में ये कॉइन्स भी बजते हैं तो काफ़ी सुंदर भी दिखता है, पार्टी वेयर आउटफिट के साथ में बहुत सुंदर लगेगा. आई रियली लाइक इट. नेक्स्ट अप आई हैव गॉट दिस फ्लावर एंड लीफ डिज़ाइन रिंग सेट, 11 पीसेस का सेट. सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है. इसको मैंने यहाँ पे कुछ कुछ यू नो फिंगर्स में डाला हुआ है. एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, जब आप इन रिंग्स को अराउंड एक सवा घंटा पहन लेते हो तो ये हल्का सा एक काला काला मार्क छोड़ देती है विच आई डोंट लाइक. लेकिन इफ़ यू लुक एट द प्राइस जो कि है सिर्फ और सिर्फ 148 रुपीज़, कंसिडरिंग कि उस पर कोई ऑफ नहीं है, लेकिन अब आपको ऑफ मिल सकता है, मतलब अराउंड 70-80 रुपीज़ में आपका इजीली काम हो जाएगा. पार्टी वेयर हैं ये रिंग्स और काफ़ी यूनिक भी दिखती हैं, स्टाइलिश तो है ही. और कुछ कुछ फिंगर्स में मेरे को ये टॉप तक ही आ रही थी, आई मीन दैट इज़ हाउ दे आर मेंट टू बी स्टाइल, सो आई क्वाइट लाइक देम. नेक्स्ट अप आई हैव गॉट दिस फॉक्स पर्ल पेंडेंट लेयर्ड लिंक नेकलेस. सो दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. सो यहाँ पे ये जो लिंक नेकलेस, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे बोलना है, तो ये है बेसिकली यहाँ पे एक पर्ल है जो इनको एक दूसरे से चेन करता हुआ जाता है, लाइक लिंक किया हुआ है. सो इसी को ही इतना यूनिक नाम दिया है इन्होंने. इट इज़ वेरी यूनिक, आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट इज़ अ वेरी सिंपल एलिगेंट डेंटी पीस. नेक लाइन को अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो सुंदर दिखाना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस, काफ़ी अफोर्डेबल भी है. ओके सो नेक्स्ट अप आई हैव गॉट दिस टाई बैक ओवर नी ब्लॉक हील्ड बूट्स. सो दैट इज़ हाउ दे लुक लाइक, आमंड टो के साथ में आते हैं, रबर इनका सोल है और इनका आउटर मटेरियल सोल है, ब्लैक कलर है और बहुत ज़्यादा चंकी हील्स हैं. रियली गुड फॉर द प्राइस पॉइंट, क्योंकि फिनिशिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी. अदरवाइज बहुत सारे जब आप बूट्स इस प्राइस पॉइंट पर लेते हो तो उनकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है. मेरा इसमें साइज़ है EU 38 एंड ये काफ़ी अच्छे से ऊपर तक जाते हैं और ऊपर यहाँ पर आपको एक नॉट दिया हुआ होता है लाइक दिस टैसल, जिसे आप उसको यू नो टाई कर सकते हैं. और आई मीन दे लुक क्वाइट सेक्सी एंड विंटर्स आ रहे हैं तो मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे किसी ना किसी शॉर्ट ड्रेस पे या फिर किसी ट्रेंच कोट के साथ में इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. आई थिंक दे लुक रियली वेल विथ ट्रेंच कोट्स और लॉन्ग कोट्स. नेक्स्ट अप आई हैव गॉट दिस सेल्फ टाई रैबिट हुडेड रोप. सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स ग्रे इन कलर. इसका मटेरियल है 95% कॉटन और ग्रे कलर में आता है ये, और ये लॉन्ग स्लीव्स के साथ में आता है और ये पजामा टॉप है. लाइक इसके नीचे आप कुछ भी पहन सकते हैं, चाहे आप लेगिंग्स पहने, चाहे आप कुछ भी पहने. आई थिंक इट लुक्स रियली क्यूट. इसका जो ओवरऑल मटेरियल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वेयर और बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि इसके रुएं वगैरह निकल जाएंगे. इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट. मैंने इसको एक बार पहना भी है बहुत देर तक, अराउंड 3 घंटे मैं इसी में थी. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू टच एंड नीडलेस टू से काफ़ी क्वालिटी अच्छी है इसकी कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट. और एक बाथरूम तो मुझे चाहिए ही था, सो आई गॉट दिस वन फॉर माई सेल्फ. एम
एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई एम श्योर आपने ये वाला हॉल एंजॉय किया होगा और जो भी सारे प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली पसंद आए होंगे. तो कुछ ना कुछ को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं. भूलना मत मेरा जो कूपन कोड है उसको अप्लाई करना. आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा जितने की भी आप शॉपिंग करते हैं. ब्लैक फ्राइडे सेल स्टार्ट हो चुकी है शेन पे. इंजॉय करना जरा भी ना भूलें. आई विल सी यू सुपर सुपर सून विद माय न्यू वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो तो आप कर ही चुके होंगे अब तक. बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच. बाय.